तक का 2455 हो गया है। महाराष्ट्र में कोरोना का सबसे ज्यादा असर है, देखिए मेरी सहयोगी सृष्टि जोशी की एक ग्राउंड रिपोर्ट। आज जो था लॉकडाउन का 21st डे था, बट जैसे कि हम जानते हैं मुंबई में या महाराष्ट्र में, पूरे देश में जो परिस्थितियां हैं, कोविड-19 जो कहर ढा रहा है, हर दिन नए नए जो केसेस है बढ़ते जा रहे हैं, और उसकी वजह से पीएम नरेंद्र मोदी जी ने आज ऐलान किया है या ये जो लॉकडाउन है वो बढ़ाया जाएगा और 3 मई तक इसे एक्सटेंड किया गया है, ताकि हम जो है इंडियन जो है वो कोविड-19 को फाइट कर सके और जितना जल्दी हो सके कोविड-19 से जो है हम छुटकारा पा सके। मैं हूँ विलेपाले मार्केट में और जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो लोग हैं, जैसे ही लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किया गया है जो लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं अपनी जरूरतमंद चीजें जो है एसेंशियल कमोडिटीज जो है वो लेने के लिए आए हैं। बट जैसे कि हम देख सकते हैं, जैसे मोदी जी ने कहा है जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाए, मास्क पहना जाए, उन्होंने मास्क पहना हुआ है, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है सोशल डिस्टेंसिंग की, और वो भी जो ये लोग हैं उसका पालन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन संतोष बंगेरा के साथ सृष्टि जोशी, इंडिया न्यूज मुंबई। जैसे कि हम जानते हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी ने आज ऐलान किया है ये जो लॉकडाउन है उसे बढ़ाया जाएगा 3 मई तक, और ये जो लॉकडाउन है ये सबकी सुरक्षा के लिए है। बट जैसे कि हम जानते हैं जो आम जनता है इस पर जो है लॉकडाउन का असर डेफिनेटली होने वाला है। मैं हूँ सांताक्रूज मार्केट में और जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो भाजी रखी हुई है, जो इनके दाम है वो बढ़ रहे हैं, और जो जैसे कि हम जानते हैं कि जो होलसेल मार्केट में से जो भाजी तरकारी जो आती है अगर वो दाम बढ़ती है तो जो यहाँ पे जो वेंडर्स है वो भी उस जो भाजी है उसे ज़्यादा बढ़ाकर जो है उसका दाम देते हैं। तो जैसे कि मुझे पता चला है जो भिंडी है वो 60 रुपीज़ किलो है, जो वटाना है वो 80 रुपीज़ है, एंड टमाटर जो है 40 रुपीज़ किलो में दिया जा रहा है। तो ऐसा कह सकते हैं कि आम जनता पर जो है इस लॉकडाउन का असर डेफिनेटली देखा जाने वाला है। कैमरा पर्सन संतोष बंगेरा के साथ सृष्टि जोशी, इंडिया न्यूज़ मुंबई।